बिहार में हाल ही में इंटर और मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आने के बाद से बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जो बच्चों के माता पिता का सपना होता है कि कहीं बच्चे मेडिकल लाइन में जाए, कहीं बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करें, लेकिन सही जानकारी के अभाव में पटना जैसे शहरों में आकर के वो ठगी का शिकार हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम एडमिशन कराएं, जिसके बाद से जो है हमें नीट में एडमिशन मिल जाए, हम कहां ऐसे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पे हमें अच्छा कॉलेज में दाखिला मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके पटना में कई ऐसे फर्जी संस्थान हैं जो अपने फर्जीवाड़े के रूप में जाने जाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक बार फिर से पटना में एक ऐसे ही संस्थान का नाम खुलासा हुआ है जिसमें वो फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आया है। बता दें कि नीट की तैयारी को लेकर के ये संस्थान फर्जीवाड़ा कर रहा था। इस वक्त हम लोग पटना के बोरिंग रोड चौराहे के जीबी मॉल के सामने खड़े हैं, और जीबी मॉल का यही वो मॉल है, जीबी मॉल, इसके चौथे तल्ले पे एक सनसाइन नाम का एक संस्थान था, जैसे नाम बताया जा रहा है, हालांकि नाम कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये संस्थान का नाम बताया जा रहा है। इस कंपनी के थ्रू जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा में दाखिले को लेकर के लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए का ठगी का मामला सामने आया है। इसी जीबी मॉल के चौथे तल्ले पे वो जो इंस्टीट्यूट था वो चल रहा था। बिहार की राजधानी पटना में नीट में कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों से मन चाहे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दे दिया जा रहा था। लगभग 35 करोड़ की ठगी का ये मामला सामने निकल कर के आया है पटना के जीबी मॉल में, जहां पे करियर काउंसलिंग नाम के कार्यालय खोले गए थे। जालसाजों ने भारी भरकम राशि उगाही की है। फर्जी एडमिशन का लेटर देकर छात्रों को बकायदा कॉलेज भी भेज दिया। जब छात्र कॉलेज पहुँचे तब उन्हें अपने ठग जाने का एहसास हुआ। ठगी की जानकारी होने पर जब छात्र लौट कर आए तब कार्यालय बंद मिला। तस्वीरों में देखिए, हमने भी जब ऊपर जाके मुआयना किया तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे इस इंस्टीट्यूट में ताला लग चुका है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसके पुरी थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस की माने तो सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनके नाम और पते की जानकारी ली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार करियर काउंसलिंग संस्था के निदेशक उज्जवल सिंह ठगी का सरगना है। उज्जवल सिंह खुद को कई मेडिकल कॉलेज का पार्टनर बता रहा था। उसका दावा था कि NRI कोटे से अभ्यर्थियों का नामांकन करा देंगे, उसमें झांसा देने के लिए अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के सामने विदेश के नंबरों पर कॉल तक कर डालता था, और सामने वाले व्यक्ति को NRI बताकर उसने पासपोर्ट कॉपी मंगा लेता था। उसकी बातों में झांसे में आकर लगभग 15 से 20 लाख रुपये अब तक देने से लोग हिचके नहीं। उज्जवल के अलावा ब्रांच हेड शुभम कुमार, अपर्णा सिंह, काउंसलर कुंदन कुमार, हीरालाल, खुशबू कुमारी और रंजन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक 22 लोग जो हैं पुलिस के पास शिकायत लेकर जा चुके हैं, जिसमें 35 करोड़ की राशि का जालसाजी की गई है। इस बात की संभावना है कि ठगी की ये राशि और बढ़ेगी। ठगी के शिकार होने वाले भागलपुर के कंचन कुमारी, रांची के राजेश सिन्हा, औरंगाबाद के सुधीर हैं। इतना ही नहीं, तमाम वो जिले से स्टूडेंट हैं जो इस फर्जी कोचिंग संस्थान का जो है वो खुलासा किया है। बहुत बार ऐसा होता है पटना में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठगी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सही जानकारी का अभाव होता है। वो आनन फान में सोचते हैं, तमाम तरीके के लुभावने ऑफर दिए जाते हैं उनको, जिनको लेकर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन अभिभावक जो हैं, जो काफ़ी मतलब अभिभावक जो होते हैं वो बच्चों के साथ आते हैं एडमिशन कराने के लिए, जानकारी नहीं होती उनके पास में सही जानकारी, जिसके बाद से वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही ठगी का मामला पटना के जीबी मॉल में मिला है। हालांकि इसके पूरी थाने में जो है वो शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन इस खबर में इतना ही। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।